हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपने देखा नहीं है शॉर्ट वीडियो तो जाकर देख लो, जिसमें मैंने ये वाला ऑर्डर किया हुआ था और ये मुझे मिला है पर 35 रुपीज को। अगर आपकी प्राइस दिख रही है तो देख लो। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, कुछ अलग और डिफरेंट चाहिए था तो मुझे ये मिल गया। अभी मैं कहाँ ढूंढूँ अभी इसे, इसके लिए मैंने यही ले लिया। और जो इसके अंदर होते हैं और ये लाइट कलर यूज़ होते हैं, मतलब ये लाइट में यूज़ होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं लाइट लाइट से, तो मैंने ये भी लिया हुआ है। एंड मेरे ये एक्लेरिक कलर्स भी ख़त्म हो रहे थे और मैं इसके लिए क्यों ले रही हूँ पता नहीं, मुझे वो बड़े वाले चाहिए। मैं आपको अगर मेरे ओल्ड वाले बताऊँगी तो आपको पता चल सकता है। ये वाले मैंने क्यों लिया मुझे भी नहीं पता है। एक्चुअली मैं ये नहीं लेती हूँ, ये मैंने आज ले लिया, अगले बार भी मैंने यही लिया था। मैं बताती हूँ आपको मेरे ओल्ड वाले और मेरे ये देखो, मैं ऐसे लेना चाहती हूँ और ये मुझे मिलता ही नहीं है। तो ये वाला मैंने पहले वाले लिया था और ऐसे में दूसरा वाला जो था, ऐसे दो मिलते ना, ऐसे में दूसरा वाला मैंने फेंक दिया। पता नहीं क्यों फेंका, उसमें कलर भी नहीं था, पूरा वाइट वाइट हो चुका था। इसमें थोड़ा बाकी, थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं या तो होम मेड कलर्स बना के इसमें रख सकते हैं, जैसे कि एलिफेंट कलर, ऐसे अलग अलग कलर से पता नहीं कौन से कलर बन सकते हैं। एंड ये मेरे पुराने हैं जिसको थोड़े से बचे हैं इसमें, ऐसा नहीं है पूरे ख़त्म हो चुके हैं। ये दे दो, मेरे अंकल ने कुछ दूसरा ही उठा कर दे दिया। तो एक्चुअली फिर मेरे को याद आया कि उसका नाम कुछ था, अब याद नहीं आ रहा, उसका नाम कुछ था फिर मुझे याद आया और फिर मैंने बोला, तो फिर अंकल ने ये उठा के दे दिया। मैंने बोला इसमें छोटा नहीं है, तो अंकल ने बोला कितना छोटा था मैं बताती हूँ आप लोगों को, इतना सा था। मैंने पहले लाया था, बहुत छोटा था, इतना ब्यूटीफुल था ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। तो आज की वीडियो में मेरी मम्मी बोलने वाली है मुझे ऐसी चीज़ें ड्रॉ करने के लिए, मुझे वो ड्रॉ भी करना है और कलर भी। तो कलर तो पेंसिल कलर स्केच पेन नहीं करने हैं, मुझे यूज़ करनी है ये, क्या बोलते हैं इसे, पता नहीं, पेन ब्रश कलर से बोलते हैं शायद से इसे। एंड इससे करना है, एंड इससे करना है, और इससे, और ये जो ब्रश है इसे मुझे आइज क्लोज करके उठाना है। और पता नहीं छोटे छोटे कलर्स को मैं बड़े बड़े कलर से कैसे कलर करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें मेरे को एक टास्क मिला है, वो टास्क क्या है अगर आपको नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। वो टास्क है क्या हमें मिलेंगे सिर्फ 30 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स मिनट्स मिलेंगे, और मुझे बनाने हैं बहुत सारे, 8 मुझे बनाने, टोटल मिलाकर 8 बनाने हैं। और मैंने डिसाइड भी नहीं किया मेरी मम्मी से क्या क्या बना के ले सकती हूँ मैं, एंड आई हैव नो आइडिया मैं क्या कर सकती हूँ। जल्दी से मैंने सारे कलर्स निकाल लिए हैं ताकि मैं फटाफट से बना लूँ। तो मैंने ये लाइन इसके लिए ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। पता नहीं मेरी मम्मी पहले से ही सोच के बैठी, यार बताओ तो थोड़ा सा मैं रेडी तो हो जाऊँ। तो फिर मैंने यहाँ पर छोड़ा है इतनी जगह, जैसे कि थोड़ी सी जगह इधर थोड़ी, एंड इधर पर बड़ा आने वाला है, एंड यहाँ पर कुछ छोटा सा आएगा। तो चलो इसे भी यहाँ पर बना लेते हैं, तो इतना सा तो बनेगा नहीं, तो हमें इतनी जगह छोड़नी है मम्मी। तो मम्मी ने बोला हाँ, तो हमें टोटल बनानी है 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 बने अभी, 6 7 8, 3 और बनाने हैं। एंड ये रेडी हो चुका है, वैसे मैं स्केल पेंसिल सब निकाल लेती हूँ क्योंकि 60 सेकेंड में स्केल पेंसिल ढूंढने में मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है। एंड मैंने इसको ऐसे नीचे नहीं रखना, इसको उठाने में टाइम लगता है, इसको मैं ऐसे रखी हूँ। पेंसिल सारे ब्रशेस निकाल लेते हैं, मेरे पास बहुत ब्रशेस हैं, सारे छोटे मोटे पतले मोटे सब ब्रशेस मैं निकालूंगी। वाओ, एंड इस पैलेट को भी हमें अनबॉक्स करना होगा क्योंकि टाइम स्टार्ट हो सकता है अभी ही, क्योंकि मेरी मम्मी बोल रही है जल्दी करो, बहुत बड़बड़ कर रही हूँ मैं, ज़्यादा बड़बड़ बंद करते हैं एंड ब्रश को डालते हैं वाटर के अंदर। एंड यहाँ पर ना नेमिंग लिखी हुई है, मुझे इतना यूज़ करके पता चल चुका है, येल्लो वाला इसका है, येल्लो वाला इसका है, ग्रीन वाला इसका है। अब ये बहुत बड़ा टास्क होने वाला है, ये सारे ब्रशेस पेंट्स में सब सामने रख लेती हूँ। मैंने रखा है मेरे ब्रशेस, अगर आपको मेरा देखना है पूरा लुक के कैसा लग रहा हुआ है तो चलो मैं आपको बताती हूँ कैसा मेरा मतलब लुक है यहाँ का। तो ये रहा कुछ ऐसा लुक। तो यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है, तो ये कुछ लग रहा है ऐसा पॉइंट दिख रहा है, टेबल है नॉर्मली, एंड वहाँ पर चार्जिंग का पॉइंट है, यहाँ पर विंडो है, यहाँ पे एक चेयर है, एंड यहाँ पे मिरर है। मिरर में मैं बताती हूँ क्या दिख रहा है इनको। मैं हूँ कि पोस्ट का कलर है, और ये रहे हमारे सामान, और यहाँ पर है हमारे न्यू जो मैंने लाया है, और ये पुराना वाला है, ये भी पुराना ही है। एंड ये रहा हमारा लुक, और यहाँ पर है
क्या बोलते हैं कटर कटर सॉरी, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ क्योंकि रख देती यार। क्या बनाना है? फिश। अरे माय गॉड फिश कैसे बनाते हैं? अरे यार स्टॉप 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 भाई साहब, पेंसिल की नीड टूट गई, जल्दी से शॉप करो, टाइम यहाँ पे ही वेस्ट हो रहा है, जल्दी। अरे ये क्यों शॉप कर रही हूँ, यहाँ पर शॉप करी हुई पेंसिल यहाँ पर कैसी होती चीज तो पता नहीं है, जल्दी कैसे भी मैं बना रही हूँ। एंड उसका मुँह खुला होता है ना, ऐसे बनाएंगे कुछ लोग, मुझे पता नहीं है ऐसे, तो ऐसे मुँह खुला है, बबल्स निकल रहे हैं, पानी में है वो, और ये उसकी होगी बड़ी बड़ी आईज, टाइम अप होने वाला है 15 सेकेंड, ये क्या कर रही हूँ मैं, तो ये रेडी हो चुकी पूरी तरीके से एंड टाइम अप नहीं हुआ है अभी तक, तो जल्दी से ये वाले कलर यूज़ करते हैं। एंड ये पानी क्या कर रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी करो, टाइम अप हो रहा है अच्छा। ये लेते हैं, डाल लेते हैं पानी, हाँ पानी डाल दिया, इसका ही ब्रश यूज़ करेंगे अभी, क्या करूँ अभी, बड़ा मोटा बेटा कुछ नहीं करेंगे। एंड इसको मैं बनाने वाली हूँ एक ऑरेंज कलर की फिश, मुझे आई लव ऑरेंज, आई लव ऑरेंज आई एम पर्पल कलर, पर फिश पे ऑरेंज कलर बेटर लगेगा ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, एकदम लाइटली लाइटली इस पर कलर अप्लाई करेंगे एंड टाइम अप होने वाला है, 5 सेकेंड्स बाकी अभी, एकदम लाइट लाइट की तो प्यारी लग रही हो, जल्दी जल्दी करो, एंड 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 2 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी, अब बाकी है सिर्फ 3 सेकेंड्स, माय गॉड ये कलर बाहर चले गया, मैंने कर सकती कुछ, ब्रश कैसा दिया ये, बाकी है सिर्फ 2 सेकेंड्स, अब पानी भी बनाना है मुझे तो। तो ये बन चुकी है हमारी फिश, इसकी वाटर वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, तो ये बनेंगे कुछ ब्लू कलर्स के, एंड टाइम 1 मिनट बाकी है, सिर्फ 1 मिनट, ऐसे कर लेते हैं, जितना पानी हो सका उतना पानी बनाएंगे भी हम, जल्दी जल्दी, टाइम अप हो चुका है, कुछ भी नहीं कर सकते यार, देखो कैसी बनी है फिश, या वॉट इज दिस मैम, मैं ऐसी नहीं बना सकती कभी दिस। ओके देखो भाई साहब क्या बनाए, और कटर मैंने इसके लिए लिया है ताकि हम कट कर सके सारी शीट इसको, जल्दी से कट करते हैं। तो क्या बनाना है, गिफ्ट, गिफ्ट बनाना है, जल्दी बनाते हैं, अरे क्या कर रही हूँ, गिफ्ट बनाना है, तो गिफ्ट कैसे बनाएंगे, कुछ भी बोल रही है मम्मी, हाँ ठीक है कैसे बनाते, हाँ ऐसे बनाती हूँ, तो ये गिफ्ट मुझे नहीं आता बनाने से, समझ चुकी हूँ मैं थोड़ा सा, तो ये मैं गिफ्ट में बहुत फास्टली बना रही हूँ, नो आउटलाइन, नो नथिंग नथिंग, एंड इससे अभी हमें गिफ्ट बनाना शुरू हो रहा है, कितने बाकी है, मैंने 25 मिनट्स बाकी है, अभी ये बन चुका है, यहाँ पे ऐसे फ्लावर बनाते, फ्लावर बन चुका है, एंड यहाँ पर हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, रिबिन बनाएंगे यहाँ पर, तो इसके लिए जल्दी से 25 सेकेंड्स बाकी है अभी थोड़ी देर, यहाँ पर हम रिबिन बनाएंगे, तो रिबिन होंगी ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो रिबिन रेडी हो चुकी है, एंड इसको थोड़ा शेडो देते हैं, अगर देने का मतलब टाइम होगा तो दे देंगे, एंड बन चुका है ये गिफ्ट, एंड अब इसको पेंट करेंगे, तो कलर हमारे पास बहुत सारा है, पानी भी हमारे पास बहुत सारा है, यहाँ पे साइड में रखा हुआ है, एंड ये हम गिफ्ट बनाएंगे रेड कलर, क्योंकि ऑब्वियसली रेड कलर का गिफ्ट था, मैं रेड कलर है ही नहीं, वॉट इज द हेल्प, मैंने कुछ भी बना रही हूँ, ये ऑरेंज ही के रेड है पता भी नहीं मुझे, सो टाइम वेस्ट हो रहा है, इसमें से रेड लगा, अच्छा तो मैंने ये भी ओपन नहीं किया है, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, अरे ओपन हो चुका है, फाइनली ओपन हो चुका है, तो मैं टाइम लगा देता हूँ, एंड अभी ये वाला ब्रश मैं यूज़ नहीं करने वाली, मैं यूज़ करने वाली हूँ ये नीड वाला जो है 2 पॉइंट का है, एंड यहाँ पर हम लगा दिए पानी, इसको लिक्विड बना लेते हैं, लिक्विड बन चुका है, एंड गिफ्ट कौन करेंगे, प्लीज टाइम खत्म है, और बड़ा वाला ब्रश मैंने इसके लिए, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है तो जल्दी ब्रश से पेंट हो सकता है, तो ये इफेक्ट भी आ रहा है, डार्क एंड लाइट इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब शेडो पड़ गई है इस पर, एंड शेडो से ये थोड़ा लाइट दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, पर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, पर मम्मी ने क्या बोल रही, मम्मी बोल रही अच्छा लग रहा है, क्या मम्मी तुम तो ऐसी तारीफ क्यों कर रही हो, जल्दी करो भाई टाइम निकल रहा है, फटाफट से हमें करना है, क्योंकि टाइम इज नहीं होता, टाइम नहीं बिल्कुल भी, ऐसे मैंने आउटलाइन कर दिया है, रेड कलर ऑरेंज कलर ले लेंगे भी थोड़ा सा इफेक्ट करने के लिए, ऑरेंज कलर, एंड ऑरेंज कलर यूज नहीं हो रहा है, रेड कलर थोड़ा इफेक्ट करके ले लेते हैं, एंड इससे भी थोड़ा सा क्लासी लुक देंगे, एंड ये जो गिफ्ट की रिबन है उसे हम बनाएंगे ब्लैक कलर की,
ब्लैक कलर अच्छी लगेगी या नहीं मुझे नहीं पता। तो लेते पानी में डिप करते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है इसको, इसमें डिप करना बहुत भारी आइडिया है। एंड यहाँ पर इसका फ्लावर भी बना लेते हैं। अब बचे हैं सिर्फ कितने सेकंड बाकी है मम्मी, तो मम्मी बोल रही है बाकी है सिर्फ 30, सॉरी कितने बाकी है मम्मी बोलो, तो बाकी है सिर्फ 20 मिनट्स। और यहाँ पे रिबन कैसे बनाते हैं ऐसे ना, तो रिबन बना लिया मैंने, बहुत बकवास लग रहा है भाई। सब आउटलाइन दे देते हैं एंड इसको एकदम पतले ब्रश से आउटलाइन करते हैं एंड ये रेडी ही होने वाला है। टाइम अप। अरे यार मुझे इधर भी लाइन मारना था, इधर भी लाइन मारना, कैसा लग रहा है बताओ कमेंट में यार, ये मोटा पतला, व्हाट इज द हेल्प मैन, 60 सेकंड में कौन बना सकता है ऐसा वाला, पता नहीं कैसा वाला। इसको भी हम यहाँ पर रख देते हैं सोचने के लिए, बकवास सा। तो बनाना क्या बनाना है जल्दी बोलो, पर्स बनाना है ठीक है, तो पर्स बनाना है। अब अच्छे से आउटलाइन कर दो, अभी अगर मैं कलर नहीं करी ना तो वो चलेगा, पर मुझे ऐसा पर्स बनाऊंगी मम्मी के लिए कि मम्मी चौक हो जाएगी एकदम, के अंदर बहुत सारे कप्पे बना लूंगी। तो ये बन चुका है पर्स, बहुत इजी बन गया पर्स, पर्स के अंदर पॉकेट्स भी बनाने हैं। तो ये रहा पॉकेट्स, यहाँ पर एक पॉकेट, यहाँ पर ये मुझे बेटर लग रहा है बस, इसको छोटे से नीड के साथ करना होगा, एकदम छोटा ब्रश भाई साहब मैंने क्या कर रही हूँ ये, इससे मुझे थोड़ा सा उल्टा करना होगा। एंड सबसे नीड छोटा वाला मुझे ये दिखाई, देखो कितनी पतली नीड है इसका, था इसका ही था क्या, नहीं ये इसका साथ मिला था भाई साहब, कितने भारी नीड है। तो इसको रख दो साइड में, अभी मुझे इसको करना है, कौन सा कलर करें इसको, कौन सा कलर बताओ जल्दी। ओके पिंक कलर करेंगे, लाइट पिंक या डार्क पिंक, डार्क पिंक एकदम, शायद से बेबी पिंक हो सकता है अगर हम इसको कलर करेंगे पानी के साथ मिक्स करके, तो ये बेबी पिंक बन जाएगा क्योंकि ये लाइट हो जाएगा। देखो बेबी पिंक बन चुका है एंड इससे हमें एकदम लाइट ही कलर करना है, पॉकेट को भी कलर करना है। बचे हैं सिर्फ 30 सेकेंड्स, जल्दी कलर करनी है मुझे क्योंकि मेरे सामने ही फ़ोन रखा हुआ, अगर आपको नहीं दिख रहा है ना आपको नहीं दिखाऊंगा। तो जल्दी से मुझे इसे भी पेंट करना है। तो एक्चुअली मैंने ये ब्रश बहुत यूज़ कर लिया है, अभी मुझे कुछ अलग सा यूज़ करना है। तो इसका बेल्ट हम कुछ डार्क सा करेंगे, तो इसका बेल्ट है, दिस विल बी अ डार्कनेस, वेरी वेरी डार्क, वाओ इट्स वेरी परफेक्ट। इसे थोड़ा डार्क शेड एंड लाइट शेड देने वाले हैं हम, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो यार, बोल है। एंड इसे मिक्स कर आउटलाइन करेंगे, वो भी हम पिंक कलर से करेंगे, आउटलाइन मतलब सिर्फ आजू बाजू की शेप। अप हो गया और ये देखो कैसी बनी है, बहुत ही बकवास लग रही है यार पहले की एक्चुअली। तो इसको भी हम साइड में रख देते, तीन ड्राइंग हमारी हो चुकी है कंप्लीटेड एंड अब हम इसको वॉश करके लाते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हो चुके हैं, चलो वॉश करते हैं। तो इसके अंदर मैंने पानी भी लेके आई हूँ वॉश करके, गिर ना जाए भाई साहब, ओह माय गॉडनेस। तो ये गिर चुका, नहीं गिर नहीं गिर, ओके टाइम अप नहीं हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है पता है क्या, एक ब्लैक कलर के लिए ब्लैक कलर के अंदर ही डुबाना है क्योंकि सारा में ब्लैक येलो सब, वो हीरा पता नहीं वो हीरा कहाँ बैठा हुआ है, मैं कैसा हीरा बनाऊंगी। तो अगर आपको दिख रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा हीरा खाएगा हीरा, तो कौन से कलर का हीरा होता है, एक्चुअली ब्लू कलर का होता है डायमंड। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो डायमंड होता है एक, मुझे डायमंड नहीं पता कैसा होता है, ऐसे कैसा होता है भाभी, ऐसा डायमंड होता है। तो अभी हम इसे ऐसे बनाएंगे, मोदक लग रहा है ये तो मोदक, एंड इसे ऐसे करके एक शेडो कर देंगे, शेडो बहुत बड़ी शेडो है हमारी, नहीं ऐसी शेडो नहीं होती डायमंड की। तो टाइम मेरे पास बहुत सारा है क्योंकि डायमंड बनाना है, तो इसकी शेडो से गोल गोल करेंगे एंड यहाँ पर कुछ और पानी जो है वो मैंने यहाँ पर हम दिया है ऐसा लग रहा है, कुछ भी भाई साहब का लाते हुआ ऐसा दिमाग। एंड इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे ये ब्रश की, पतला वाला ब्रश ही अच्छा है जो शेडो देता है एकदम पतली सी, पर ये मेरे हाथ में नहीं आता, अच्छी तरह से कलर कर दूँ बड़ा। और अब बचा है सिर्फ 35 सेकेंड्स, मतलब हुए हैं अभी तक 35 सेकेंड्स, अभी और कितना टाइम बचा है मुझे नहीं पता, मैंने बता दी अब कितना टाइम हो चुका है, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है क्योंकि हीरा कम पानी का बूंदे लग रहा है यार, क्या बना रही हूँ। तो बन चुके 4 आइटम एंड अभी 5वां आइटम चल रहा है मेरा, ये रहा वो 5वां आइटम।
मतलब आइटम नहीं पेज है वो, सॉरी। तो अब हमें बनाना है, क्या बनाना है बताओ मुझे, बताओ बताओ बताओ। तो मुझे बनाना है बॉटल, और बॉटल कैसे बनाऊंगी मैं ऐसे सीधे, तो मैं बनाऊंगी ऐसी बॉटल, ठीक है। कैसे बनाऊँ, इतनी छोटी बॉटल कैसे बनाऊंगी, थोड़ा टेढ़ा करूंगी एंड बॉटल बनाएंगे। तो पहले ये रही हमारी बॉटल की शेडिंग, एंड फिर बॉटल ऐसी खड़ी हुई है, एंड देन इसका है एक बॉटल का, सॉरी मैं क्या बना रही यार। अच्छा मुझे बनाना है एक जगी, जब तब बनाना है मुझे तब। और अभी मेरी मम्मी ने बोला कि चलो एक और एक बनाओ, तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो बनाते हैं। तो 5 तो बन चुके हैं टोटल, एंड अभी 6 वाला बना रहे हैं। तो चलो भाई बनाना स्टार्ट करते हैं, तो टाइमर हो चुका है। अब हमें बनाना है एक लैंटर्न, मतलब लैंटर्न बनाना नहीं है वैसे, लूप के अंदर करेंगे। शैडो बनाते हैं, तो शैडो के लिए वाटर, एक्चुअली ब्लैक कलर ज़्यादा यूज़ होता है, एंड शैडो विल बी रेडी। इधर की भी शैडो बना लेते हैं, बॉर्डरिंग करते हैं। एंड देन ये ब्लैक कलर थोड़ा मोटा हो रहा है, उजाला दे रहा है सब जगह पर, एंड ये बन चुका है। तो चलो आपको बताते हैं सब मैंने कैसे बनाया। चलो सब ऑर्गेनाइज करते हैं।